嗯。 वेलकम टू माई न्यू चैनल टिप्स एंड मेकअप सो आज मैंने क्रिएट किया है ये ब्लू स्मोकी आइज मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड मैंने बहुत जल्दी इसको क्रिएट किया है सो आई होप ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको पसंद आए एंड मेकअप पसंद आता है एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से और टोनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का ग्रीन एप्पल टोनर और इसमें मैं दो तीन स्प्रे करके अपने फेस पे डाप डाप कर लूँगी एंड वाओ इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है एंड ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है मॉइस्चराइज़र एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है अपने फेस पूरे फेस पर अप्लाई किया है ये आपके फेस को तो बहुत जेंटली मॉइस्चराइज करता है और नेक्स्ट मैंने किया है अपने फेस को प्राइम एंड प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है फेसेस का अल्ट्रा एंड प्रो प्राइमर जो कि मेरा फेवरेट प्राइमर है ये आपके जो पोर्स है उनको ब्लर आउट करता है एंड ये मैं शुरू से ही अपने मेकअप वीडियोस में और शुरू से मेरा फर्स्ट प्राइमर है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छा प्राइमर है एंड ब्राउज़ के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ये ब्राउ पैलेट एंड एज़ यूजुअल मैं इसमें दोनों कलर यूज़ करती हूँ जो आउटलाइन किया है मैंने वो डार्क कलर से किया है एंड जो फिल इन मैं कर रही हूँ अपनी ब्राउज को वो लाइट शेड से कर रही हूँ जो कि सेंटर वाला शेड है और उसको अच्छे से फिल करके मैं एक पुल की हेल्प से उसको जो भी आ, हमारे गैप्स होते हैं उसको एक तरह से फिल कर रही हूँ अच्छे से सो so, नेक्स्ट आते हैं कंसीलर की तरफ सो so, अपने ब्राउज़ को शार्पिन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटिंग कंसीलर इन दी शेड सी सिक्स और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आ, मैं ये अपने ब्राउज़ को शार्पिन कर लूँगी एंड अपने दोनों ब्राउज को मैंने शार्प किया है इसमें क्या होता है कि अगर आप फिल इन जब आप ब्राउज फिल कर रहे हैं अगर उस टाइम पे आपकी थोड़ी सी शेप अच्छी नहीं आई है तो आप इससे करेक्ट कर सकते हैं अपने ब्राउज को नेक्स्ट मैंने किया है अपने फेस को कलर करेक्ट एंड यहाँ पे मेरे जितने भी पिगमेंटेड एरियाज़ हैं उस पर मैं आ, ये कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से और मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ब्रश से थोड़ा अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है इसको बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती थोड़ा ही ब्लेंड कीजिए नेक्स्ट मैंने किया है अपने आई बेस को सेट और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का सेम कंसीलर और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी आई मेकअप के लिए आज मैंने यूज़ किया है एले कलर्स का नियॉन शॉक आई पैलेट इसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल पे सो so, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी सो so, सबसे पहले मैंने लाइटेस्ट शेड लिया है एंड अपने कंसीलर को सेट किया है जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रफिंग ब्रश की हेल्प से एक मैं आई मेकअप कर चुकी हूँ सो so, अभी हम करते हैं दूसरा सो नेक्स्ट लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया है मैंने काइंड ऑफ बेस्ट शेड है लाइट शेड uh, से ही मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ और अपनी क्रीज लाइन पे मैंने इसको ब्लेंड किया है देन सेकेंड कलर मैंने पिक किया है ये भी काइंड ऑफ बेस्ड कलर है सो uh, so मैंने इसको भी क्रीज लाइन पे अपनी यूज़ कर रही हूँ देन लास्ट लेते हैं डार्क शेड डार्क शेड मैंने ये काइंड इट्स अ ब्राउन शेड और इसको मैं सेम अपनी क्रीज लाइन पे बफ कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी जिससे कि बहुत अच्छे से कलर आए ये कलर सब ढक जाएगा ये मैं सिर्फ अपनी आइज़ को डेप देने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन शेड नेक्स्ट आते हैं जो मेन कलर है दिस स्पार्कली ब्लू शेड और इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं और ये कितना अच्छा कलर है कितना अच्छा पिगमेंटेशन है इसका और बहुत अच्छे से कलर पॉपअप हुआ है ये आईलेट पे अपना ये ब्लू शेड लगा लिया है उसके बाद मैं अपनी क्रीज लाइन तक थोड़ा सा मैट शेड जो ब्लू सेम शेड है उसको बफ कर रही हूँ ताकि एक सीक्वल एक अच्छे से सीमलेसली वो जो आई शेडो मैं लगा रही हूँ वो अच्छे से ब्लेंड हो और पॉपअप भी हो और फिनिशिंग आई क्योंकि ब्राउन कलर का इसमें कुछ काम नहीं था मैंने सिर्फ डेप देने के लिए दिया था अब थोड़ा सा ना स्पार्कल कलर जो होता है वो बफ करने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो मैंने दोबारा से उसको अपने फिंगर की हेल्प से यूज किया है नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट एंड इस आई शेडो पैलेट का पिगमेंट वाओ वेरी नाइस बहुत ही ब्यूटीफुली इसका कलर आता है सो so, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर पिक किया है और अपनी आउटर वी पे सिर्फ अपनी आउटर वी पे मैंने इसको प्लेस किया है एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से सो so, मैं ये सिर्फ देख रही हूँ कि ये इक्वल भी है या नहीं क्योंकि इक्वल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिर्फ अपनी आउटर वी पे मैंने उसको थोड़ा सा स्मोकीनेस देने के लिए यूज़ किया है ये ब्लैक शेड क्योंकि विदाउट ब्लैक शेड आई डोंट थिंक सो so कि स्मोकी लुक आ पाता है इतने अच्छे से सो so, मैं ये डिज़ायर अपना कलर लूँगी और इसको सेम कलर एक क्लीन आ, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैंने क्रीज लाइन तक ब, आ, ब्लेंड कर लिया था उसके बाद मैंने शैम्पेन कलर लिया है और अपनी इनर वी पे मैं प्लेस करूँगी और ये देखो कितना मज़ा आता है ना वाओ सो so, अब जो भी कलर लाइट मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत तो अपने पूरा डेप्थ दूंगी अपनी आईज़ को यूज़ किया है शुगर का पेन लाइनर एंड ये मेरा न्यू लाइनर है और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छे और इससे मैं नॉर्मल अपना लाइनर लगा रही हूँ नेक्स्ट वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से मैंने ब्लैक शेड लिया है और अपने इनर लैश लाइन पे मैं इसको स्मोक आउट कर लूंगी मज़ा आ जाता है ये करने के बाद नेक्स्ट uh, मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा वाओ दिस इज सो अमेजिंग अपने आइज़ को अपने लैशेस को मैंने कोट किया है इससे अपने बेस की तरफ सो बेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मिलानी का ये फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल ज़ीरो टू एंड इसमें मैंने मिक्स किया है आ, पर्पल का ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड ऑयल और इसको लगा इसको मिक्स करने के बाद ना वाओ गाइस आपकी ब्लेंडिंग इतनी इजी हो जाती है ये इतने इजीली ब्लेंड होता है आप ब्रश से करो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से करो अमेजिंग wow, बहुत ही मज़ा आ जाता है मतलब इसको करने के बाद क्योंकि अगर आपका कोई भी मेट फाउंडेशन है या कुछ भी है अभी विंटर्स आ रहे हैं तो आपका यू you नो know, बहुत ज़्यादा पैची लगने लगता है तो अगर आप इसमें कोई ऑयल मिक्स करके लगाएंगे अपने फाउंडेशन में या अभी या फिर कोई क्रीम मिक्स करके लगाएंगे ना तो जो फिनिश आती है आपके बेस की ब्लेंडिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बाय द वे ये फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है बट इसको अगर आप ऑयल के साथ मैं हमेशा इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ अपने बेस के साथ इस ऑयल को मिक्स करके एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ब्लेंड हुआ है और आप शाइन देख सकते हैं मेरे फेस पे प्लस इसकी कवरेज भी सो so, यहाँ पे हमारा फिनिश होता है फाउंडेशन की ब्लेंडिंग नेक्स्ट आते हैं कंसीलर पे कंसीलर के लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इट्स अ हाइलाइटिंग कंसीलर मेरे स्किन टोन से दो शेड लाइट है और यहाँ पे मैं जितने भी अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी सो so, देख सकते हैं आप और इसको मैं सेम जो मेरा डा जो मेरा वेट ब्यूटी ब्लेंडर है मैं उसी से उसको ब्लेंड करूँगी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे नेक्स्ट मैं करूँगी अपने फेस को सेट जो मैंने अपना बेस रेडी किया था उसको सेट कर रही हूँ बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा ये सेटिंग नहीं करती हूँ अपने फेस पे आई डोंट लाइक कॉम्पैक्ट या पाउडर या सेटिंग पाउडर दिस मच बट आज की लुक में मैंने किया है सो so, ये जो शेड ये जो पैलेट है एले कलर्स का उसी पैलेट में से मैंने ब्राउन शेड लिया है और इसी से मैं अपनी कॉन्टोरिंग एंड ब्राउन्जिंग सब कुछ कर रही हूँ आप देख सकते हैं अपनी नोज कॉन्टोर भी करूँगी मैं इससे और यू कैन से कि एक different, different आप एक ही पैलेट को आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है आप एक ही पैलेट में से पूरे फेस का मेकअप कर सकते हैं ऑल दो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन शेड्स नहीं है बट स्टिल आप अपनी कॉन्टोरिंग इस ब्राउन शेड से कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फेस कॉन्टोरिंग हुई है सो so, यहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग होती है डन अब मैं करूँगी अपनी नोज़ कॉन्टोर सो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ और एक बफिन ब्रश की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड बहुत अच्छे से ये ब्लेंड आउट हुआ है कलर मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश पैलेट सो यहाँ इससे मैं सेकंड सेंटर वाला शेड जो है ब्लश का उससे मैं अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एक बफिंग ब्रश की हेल्प से बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैंने अप्लाई किया है नेक्स्ट हाइलाइटर भी इसी में है थोड़ा सा नोज एंड चिन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भी ओवर पिगमेंटेड नहीं है एकदम सटल सा मैंने ब्लश लगाया है नेक्स्ट हाइलाइटर भी मैंने इसी पैलेट में से यूज किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिश आई है लिप शेड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ रही मी ऑन की मैट लिपस्टिक सो so, पता नहीं क्यों ये मेरे को यही शेड बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोग बोलोगे कि सेम शेड लगाती है बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये शेड बहुत ही न्यूट्रल सा सटल सा एक ये शेड है जो कि ऑलमोस्ट सा, सबके साथ जाता है तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है अपना लिप शेड इसको अच्छे से मैं शेप दूँगी सो या दैट्स माई फाइनल लुक So if you like my this makeup look please make sure to hit the like button. So